जल्दी राशन उतारो। चलो भाई जल्दी ले करो। हाँ हाँ ले जा रहे हैं, बहुत भारी है वार्डन साहब। ले जाओ। रुको। क्यों सारा सामान उतर गया? उतर गया साहब। जाओ ले जाओ। क्यों पहन रखी है? ये मेरी है। ए, चल उतार, चल उतार। आई, आई, आई। करो। इस वक्त तुम्हारी इज्जत मेरे हाथ में है। अच्छा अच्छा अब उतार, मुझे ऑफिस जाना है। जरा और प्यार से रिक्वेस्ट करो। राजू जी मेहरबानी करके आप अपनी ये टी शर्ट मुझे उतार देंगे? ये लीजिए। थैंक यू। राजू बेटा जरा नीचे आना। आया पिताजी। अरे अरे ऐसे जा रहा है, फिर कैसे जाऊँ? कपड़े पहन कर। कपड़े तो सब पहनते हैं, मुझे लाइफ में थोड़ा चेंज चाहिए। चेंज? खैर अभी मैं चेंज। अरे माँ 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 तुम कहाँ उसके पीछे भाग रही हो, वो कहाँ तुम्हारे हाथ आने वाला है। नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है। कभी नहीं सुधरेगा। पिताजी ये रहे वो लेकर आपके 5 रुपए 75 पैसे। अच्छा ठीक। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। अरे विजय बेटा लौटते वक्त मेरा दूसरा चश्मा लेते आना, नंबर बदल गया ना इसलिए पता ही नहीं चलता है कि 100 का नोट है या 10 का नोट है। अच्छा पिताजी। अच्छा जी, हाँ बेटा ये लीजिए 100 का नोट, जरा छोटा दे दीजिए। अबे ये 100 का नोट है क्या 10 का? पिताजी अभी तो आप कह रहे थे कि आपको पता नहीं चलता कि कितने का नोट है। बेटे लेकिन हमें तुम्हारी औकात का तो पता है, क्योंकि तुम्हारे पास 100 का नोट हो ही नहीं सकता। अच्छा पिताजी मैं चलता। अच्छा बेटे जाग रखो। आज तो सिर्फ 3 ट्रक जाने वाले थे, ये 5 ट्रक किसकी मर्जी से जा रहे हैं? सेठ त्रिकाल की मर्जी से। मिस्टर पांडे ये फैक्ट्री त्रिकाल सेठ की जरूर है, लेकिन यहां से गोला बारूद बगैर मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यहां का निगहवान मैं हूं। तुम मिडिल क्लास के लोग सरकार को हर वक्त सर पे सवार क्यों रखते हो?
ये लो और अपनी सरकार खुद बनो। इसे पुलिस के हवाले कर दो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे सुनाता हूँ। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी माँ को बेचकर कमाना बहुत बुरी बात है। गार्ड्स, जी सर, इस लाश को उठाकर पुलिस के हवाले कर दो। और याद रखो, आज के बाद फैक्ट्री के बाहर कोई सामान विजय साहब की इजाजत के बगैर नहीं जाएगा। जी सर। गुड लक माय सन। सर, आपने अपने इतने पुराने साथी पांडे को मार दिया। जब एक घर के जलने से पूरा गांव बचता हो तो उस घर को जला देना चाहिए, वरना याद रखो उस घर के साथ हम तुम भी जल जाएंगे। सर, मैं समझा नहीं। इतनी अकल होती तो तुम हमारे ससुर जी की कुर्सी पे बैठे होते और वो तुम्हारी जगह हाथ बांधे खड़े होते। सॉरी सर। ऊपर वाला भी अपनी फैक्ट्री में ऐसे इंसान कभी कभी बनाता है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर के बजाय वफादारी, ईमानदारी। ये टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं, इसलिए जब तक विजय श्रीवास्तव ड्यूटी पर है आरडीएक्स की सप्लाई बाहर नहीं जानी चाहिए। माँ, मैं जिम जा रहा हूँ। क्यों रे, तेरी पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है? अभी फैक्ट्री से थका हारा आया है और फिर चल दिया। माँ, तुम क्या समझते हो कि मैं बच्चों को कुंफू कराटे पैसों के लिए सिखाता हूँ? सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। अरे तुम नहीं समझोगी, अंग्रेजी में है। हाँ। तुम चुप रहो जी। पहले तुम मुझे ये बता, तेरी पूरी जिंदगी मारा मारी करते गुजरेगी क्या? मतलब दरअसल तेरी माँ घुमा कर बात कर रही है जलेबी की तरह। तो फिर आप ही बता दीजिए ना, बर्फी की तरह। बेटा क्या है कि आजकल तेरी माँ से घर का कामकाज नहीं होता है ना, तो एक नौकरानी रख लेते हैं। भैया, हमें वो वाली नौकरानी नहीं, बगैर पगार वाली नौकरानी चाहिए। बस अब बहुत हो गया मजाक। विजय, तू सीधे सीधे सुन ले, मुझे एक बहू चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे कोई लड़की मिल जाएगी मैं सीधे तुम्हारे पास उसे बहू बनाकर ले आऊंगा। सुनाई नहीं देता क्या? ए, बहरे हो क्या? जी नहीं, अंधा हूँ। अंधे हो तो सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगो। तुम दोगी क्या? भीख? ये लो छुट्टा। चलो चलो। पकड़े गए ना, निकालो 50 रुपए। देखिए ये मेरी गलती नहीं है, उस लड़की ने पीछे से धक्का मारा। धक्का मारा? अरे लड़की धक्का मार ही नहीं सकती। निकालो 50 रुपए। आप मेरा यकीन कीजिए, ये मेरी गलती नहीं है। पहले 50 रुपए निकालो, तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूंगा। गो गो। पीछे ही पड़ा हुआ है, देखने में तो पूरा नहीं है, तो फिर मैं क्यों इससे पीछा छुड़ा रही हूँ? ऐसी पिटाई करवाती हूँ कि आज के बाद मेरे अलावा किसी और लड़की को छेड़ेगा ही नहीं। उस्मान मियां, प्रैक्टिस को नहीं कर रहे हो? वही तो कर रहा हूँ। हाथ पैर तो हिला नहीं रहे हो। इस काम के लिए हाथ पैर नहीं बल्कि कुछ और हिलाना पड़ता है। कुछ और हिलाना पड़ता है? सर, लड़की 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 लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए, दिखाइए। क्या? वही जो आप
छुपा रही है? मैं, मेरा मतलब है एक हुंडा मेरा पीछा कर रहा है, क्या आप लोग अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे? देखिए मैडम, अगर पूरे हिंदुस्तान की लड़के हमारी बहनें बन गई तो हम लोग जिंदगी भर हाई करते रह जाएंगे। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी इज्जत बचाइए प्लीज। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मजबूर होकर हम तुम्हें अपनी बहन मान ही लेते हैं। चलो। ये तो अपना यार विजय है। सर आप? सर हम समझे कोई गुंडा है। सर? बड़े जी बहनों, बहनों ही को ही पिटवा दिया। भाई इन्होंने हमसे कहा कि इन्हें कोई गुंडा छेड़ रहा है। उल्लू के पट्ठों, गौर से देखो इसे, ये खुद गुंडी लगती है, इसे कोई क्या छेड़ेगा। देखिए, आई एम सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं, मैं तो चाहती। आप भले ही मुझे चाहने लगी है लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। हाँ, तुम मौरत की जिद को नहीं जानते। अगर चार दिन में तुम मेरी टांग के नीचे नहीं आए तो मेरा नाम भी टंगड़ी कबाब नहीं। लगता है तंदूर बहुत गर्म है। दो ऑमलेट दे। ये कहां से आ गई? करू राम मुझे पुट्ठा मिल गया, मैं क्या करू राम मुझे पुट्ठा मिल गया। यह गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या बाजा? ओ मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? ना कर। ए राजू, मेम साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मेम साहब, क्या चाहिए आपको? एक गिलास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। एक ग्लास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओ ये बात है। हाँ ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ। सब? हाँ सब। सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया, क्या नाम है तुम्हारे पति का? मुझे बता दो तो मैं लिख लूँ। विजय श्रीवास्तव। जी 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 अंडे। Thank you.
ए बेटू चल जल्दी कर, खाने का टाइम हो गया। हाँ भैया। अरे बेटा जरा तू फोन उठा बेटा, जरा फोन उठ गए। हेलो हेलो। अरे बोलो भाई, टेलीफोन वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? कट गया। चलो जल्दी जल्दी सामान अंदर रखो। पिताजी जरा फोन उठाइए। अच्छा हेलो हेलो। कट गया। 2002 रुपए। अच्छा क्या फिर कट गया? हाँ किसी बेचारे का रॉन्ग नंबर लग रहा है। बाबूजी ये मुझे किसी बेचारे का नहीं, किसी बेचारी का नंबर लगता है। चलो खाना खाने चलो, तुम बेटा बंद करके आना। जी भैया अब फोन आप ही उठाना, नंबर भी सही लगेगा और आदमी भी सही मिलेगा। तू बदमाशी नहीं छोड़ेगा? लो भैया बच गई आपकी घंटी। हेलो हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या तकलीफ है आपको? क्यों आप हकीम हैं? आप चाहती क्या हैं? तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ये जो आप लोगों को इश्क का बुखार चढ़ता है ना, जिंदगी की सच्चाई से टकराते ही 2 दिन में उतर जाता है। मेरे प्यार का बुखार मामूली बुखार नहीं है, मियादी बुखार है। एक बार जो चढ़ता है उतरता ही नहीं। कैसे आदमी हो तुम? जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। तो क्या करूँ मैं? तुम एक बार हाँ तो करो, बाकी सब मैं कर डालूंगी। क्या कर डालोगी? मिठाई सामने पड़ी है, खाने के बजाय मक्खियाँ उड़ा रहे हो। मैं सड़ी गली मिठाई नहीं खाता। मैं सड़ी हूँ? मैं नहीं, लोग कहते हैं। आई हेट यू। आई लव यू। आई अडोर यू विजय।